नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर को कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है। ये जो महीना है ना अक्टूबर का, बहुत सारी महिलाओं को बेबी बॉय हो चुके हैं। मैंने आपको परसों भी वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखाया है, एक महिला का कमेंट आया था कि मुझको बेबी बॉय हुआ है। और फिर से एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का मैसेज आया है कि उनको बेबी बॉय हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और उनका ये मेरे पास मैसेज आया, बहुत प्यारा सा मैसेज है कि मैम सारे सिम्टम आपके साथ मैच होते थे और मुझे लगता था कि मेरे बेबी बॉय होगा और मुझको बेबी बॉय हुआ, उनका फर्स्ट बेबी है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान आपके बच्चे को और आपको बहुत अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ दे। तो आप सब भी उनको बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्रिमेस्टर में, सातवें आठवें नौवें महीने में से कौन से सिम्टम देखे जाते हैं जिन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हो हल्का फुल्का कि आपको बेबी बॉय होने वाली है या बेबी गर्ल होने वाली है। बाकी ये चीज मैं क्लियर कर दूं, जो सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने ही सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करती हूं क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी कि अगर ये चीजें होंगी तो आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इस वीडियो को ना इंजॉय लीजिएगा, वीडियो किसी गलत धारणा से मत देखिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि हर एक महीने गर्भवती महिला को अलग अलग चीजें अपनी बॉडी में देखने को मिलती हैं। उन्हीं बदलाव के आधार पर ये चीजें बोली जाती हैं घरों में। जैसे आप ज्यादा सोते हो तो ऐसा बोला जाता है कि आप आलसी हो गई हो तो लड़की होने के चांसेस है, एक्टिव बहुत ज्यादा रहते हो तो बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस है, भूख ज्यादा लगती है ये भी एक निशानी है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं, भूख कम लगना बोला जाता है बेबी गर्ल होंगी। बहुत सारी चीजें हर एक घर में अलग अलग एक सिम्टम या अलग अलग कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे घर में आस पड़ोस रिश्तेदारों में बहुत सारी चीजें हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूं ना, देखिए ये चीजें ना 110% कहीं पर भी लिखी नहीं है, सिर्फ अनुमान के तौर पर है ये वीडियो। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो महिला को तो एक्साइटमेंट रहती है, साथ में पूरी फैमिली भी एक्साइटमेंट से भरी होती है कि क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल होना, ये दो चीजें है, चाहे लड़का या लड़की। लेकिन हम आज के टाइम पर भी ये चीजें सोचते हैं ना कि बेबी गर्ल होगी तो इस तरीके से कपड़े लेंगे, बेबी बॉय होगा तो इस तरीके के कपड़े लेंगे। आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा फैशन बढ़ चुका है रूम डेकोरेट कराने का, गाड़ी डेकोरेट कराने का, हॉस्पिटल को कैसे डेकोरेट कराना है जिस रूम में आप रहते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक पर्सन गलत नहीं होता। तो वीडियो का सिर्फ एक मतलब, मैं ये वीडियो में बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप भगवान हो क्या, आपको कैसे पता। तो मैं आपसे अपने ही सिम्टम बताती हूं, किसी और के सिम्टम शेयर नहीं करती। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर को बेबी बॉय होता है उनके सिम्टम शेयर करती हूं ताकि आपको भी पता लग सके कि इतने महिलाओं को बेबी बॉय हो चुका है और बेबी गर्ल हो चुकी है। बाकी बेबी गर्ल के मैंने सिम्टम आपके साथ बहुत कम शेयर किए हैं क्योंकि मुझे जो महिलाओं के बेबी गर्ल हुए हैं ना बहुत रेयर महिलाओं के हुए हैं, तो उन्होंने अपने सिम्टम मुझे भी बताए नहीं है। जब वो बताएंगे तो मैं वो भी शेयर जरूर करूंगी। बाकी आज हम जो शेयर करने वाले हैं, नाभि के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नाभि का प्रेगनेंसी में अंदर होना क्या ये लड़की होने की निशानी है, नाभि का बाहर होना क्या ये लड़का होने की निशानी है। क्योंकि ये मोस्टली नाभि का बाहर आना, नाभि का अंदर होना कब दिखाई देता है, जब आपका बेबी बम्प अच्छे से बाहर निकल चुका होता है। और वो कब होता है, प्रेगनेंसी के सातवें आठवें नौवें महीने में एक परफेक्टली शेप नजर आती है कि आपके पेट की शेप पूरी गोल है या फिर ओवल आकार में है या फिर पूरा चौड़ा है। क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी में ना, चाहे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेकंड प्रेगनेंसी हो, थर्ड प्रेगनेंसी हो, हर एक प्रेगनेंसी में आपके पेट की शेप अलग होती है ना। चाहे सिम्टम क्यों ना सेम हो बट पेट की शेप एक जैसी होना जरूरी नहीं है, अलग अलग होती है। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है, आपके घर में भी चीज बोली जाती होगी, अगर पेट आपका पूरा गोल है सामने की ओर है और कमर कंधे कूल है आपके चौड़े हो चुके हैं, आपको खुद को ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट आ चुका है, तो ये एक निशानी लड़की होने की होती है। वहीं पेट आपका नीचे की ओर झुका हुआ है और काफी ज्यादा बाहर की ओर है और अंडाकार आकार में है, ओवल शेप में है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, हर एक प्रेगनेंसी में सबके ये अलग होते हैं सिम्टम, पेट की शेप अलग होती है, लेकिन बहुत सारे रेयर केस में ऐसा देखा गया है जिनको बेबी बॉय हुआ है ना उनके पेट की शेप मोस्टली ओवल शेप में होती है, अंडाकार आकार में होती है और कमर कंधे कूले पर फैट नहीं होता। तो ये चीजें है ना कि अगर फैट आपकी बॉडी में आता है तो ये लड़की होने को ज्यादातर बताया जाता है कि हाँ आपको लड़की होगी। सेकेंड सिम्टम की बात करते हैं, नाभि का अंदर होना, नाभि का बाहर होना। इसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आए थे, मैंने वीडियो जब आप ये अपलोड करी थी ना इस पे इतने सारे कमेंट्स है कि मेरी नाभि अंदर की ओर थी मुझे लड़की हुई, मेरी नाभि बाहर की ओर थी मुझे लड़का हुआ, इतने सारे कमेंट्स थे कि बहुत सारे कमेंट्स थे।
तो ऐसा बोला जाता है, नाभि अगर गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में, चीज नोट करिएगा कि आपकी नाभि अंदर की ओर है या फिर बाहर की ओर है। अगर आपकी नाभि बाहर की ओर होती है तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने वाला होता है। अगर नाभि आपकी अंदर की ओर होती है, बिल्कुल दिख नहीं रही है नाभि अंदर की ओर, बिल्कुल घुसी हुई है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका मैं साइंटिफिक आधार बताती हूँ और मेरे केस में कितना सटीक था मैं वो भी शेयर करूंगी। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले अगर नाभि हल्की सी आपकी बाहर की ओर होती है ना, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक पर्सन की नाभि अलग होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कई लोगों को देखा होगा आपने, नाभि उनकी बहुत ज्यादा बाहर की ओर होती है ना। तो उसी तरीके से अगर एक लड़की की नाभि पहले से ही, प्रेगनेंसी से पहले से ही बाहर की ओर होगी, तो इवन गर्भ अवस्था में भी वो हल्की सी बाहर की ओर होगी, क्योंकि देखिए बेबी बम पेट में है, ऑब्वियसली बात है जब धीरे धीरे बेबी बड़ा होता है तो ये चीजें सारी क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, इस तरीके से खिंचाव आता है मांसपेशियों में। जब खिंचाव आता है तो जो नाभि पहले से ही बाहर है वो उसके ऊपर बेबी का प्रेशर पड़ रहा है तो वो और ज्यादा बाहर की ओर हो जाती है, तो वो और ज्यादा बाहर की ओर दिखती है। अब जिन महिलाओं की पहले से ही बहुत ज्यादा अंदर की ओर घुसी है, तो हल्का सा जब बेबी बम बाहर आता है और बाहर आता है और बाहर आता है, तो वो हल्का सा ही बाहर, मतलब नाभि हल्की सी ही उभरी बाहर दिखेगी, बिल्कुल बाहर की ओर नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंदर की ओर घुसी हुई है। तो साइंटिफिक आधार इसका ये होता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं ये शेयर करती हूँ। देखिए, मेरी नाभि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी नाभि अंदर की ओर घुसी हुई है। दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मैं एक बात कहूँ ना, बिल्कुल ही नहीं निकली थी, आप समझ लीजिए। अब आप ये कहोगे मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए थी इस हिसाब से, तो ये जरूरी नहीं है कि सबके केस में सटीक हो। बिल्कुल भी मेरी नाभि निकली ही नहीं बाहर की ओर दोनों ही प्रेगनेंसी में, तो ये जरूरी नहीं कि आपके केस में 110% सटीक हो। बट मेरी जो सब्सक्राइबर है ना, जितने भी सब्सक्राइबर को मोस्टली लड़का हुआ है, उनकी नाभि बाहर की ओर थी। जैसे मुझे कई लोग फोटो भी भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि हमें बेबी बॉय हुआ है मैम, और बेबी बॉय इस तारीख को हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सारा कुछ मुझे बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपकी भी डिलीवरी हो और आप भी मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे बता सकते हो कि आपकी डिलीवरी कब हुई, नॉर्मल हुई या सीजेरियन हुई है, तो मैं वो ना एक सेपरेट वीडियो फिर आपके साथ बनाकर मैं फिर शेयर कर देती हूँ यूट्यूब पर। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पर कई जो कमेंट्स आते हैं ना, वो नीचे की ओर पुश हो जाते हैं, दिखते नहीं है, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करते हो तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, मेरा पेज है दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प 18, तो उनको फॉलो जरूर करिएगा। सेकेंड इज, एक चीज मैं क्लियर करूंगी, अभी ना मेरे पास 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया, आई थिंक सो 11 अक्टूबर को या 10 दशहरे से पहले मैसेज आया 10 अक्टूबर को, उनको बेबी बॉय हुआ, नॉर्मल ही डिलीवरी हुई, लेकिन उनको पेन 9वें महीने से स्टार्ट था। तो पेन के ऊपर भी बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हल्का फुल्का पेन रहना क्या ये लड़का होने की निशानी होती है, या फिर कम पेन रहना लड़की होने की निशानी होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में चाहे आपका 8वां महीना हो चाहे 9वां महीना हो, पेन होना उसको लाइटली नहीं लेना है, सीधा आपने डॉक्टर के पास जाना है। चाहे आपके पेट के नाभि, मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में पेन हो, नाभि के निचले हिस्से में पेन हो, कहीं पर भी पेन असहनीय है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जरूर जाए। वेट ना करें कि अभी मेरी डिलीवरी में टाइम है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो रिस्क हो सकता है। ओके, अब बहुत सारी महिलाएं कहते हैं कि हल्का फुल्का पेन बना रहता है तो लड़का होने के चांसेस होते हैं, अगर पेन नहीं होता सीधा, मतलब डिलीवरी के टाइम पे पेन आया तो लड़की होने की निशानी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, 110% ये सटीक नहीं है। क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पेन नहीं था, बस डिलीवरी होने से पहले पेन शुरू हुआ। तो देखिए, ये सबके केस में ऐसा नहीं होता, कई के केस में होता है, जैसे या तो आपको लो लिंग प्लेसेंटा होता है तो उस केस में आपको हल्का हल्का पेन रहता है, या बेबी बहुत ज्यादा नीचे की ओर है तो पेन होता है, या आप एक ही पोजिशन में काफी देर तक खड़े रहते हो, बैठे रहते हो, तो आपके नाभि के निचले हिस्से में पेन हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है जिससे आपको पेन सहना पड़ता है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे आपको पेन हो, जैसे कि ज्यादा तेज तेज नहीं चलना है, पौड़ी ज्यादा नहीं चढ़ना उतरना, खासकर प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में। सेकेंड इज, जब भी आप घर के काम करते हो तो पोजीशन को चेंज कर करके करना है। 1 घंटा जैसे आप मान लीजिए खड़े हो तो आपको डेफिनेटली पैरों में पेन होगा, कमर में पेन होगा। आपने जैसे प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना हो ना, उस टाइम में बहुत ज्यादा बॉडी में वेट गेन हो जाता है, तो क्वांटिटी में काम करना है। अगर आप 10 मिनट खड़े हो ना तो 10 मिनट आपने बैठना है, अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हो तो 10 मिनट आप राइट साइड हो जाओ, राइट साइड सो रहे हो तो 10 मिनट आप लेफ्ट साइड हो जाओ, यानी कि पोजीशन आपको चेंज कर करके सोना है, ताकि आपके कमर में पेन ना हो, नाभि के निचले हिस्से में पेन ना हो। लेकिन हल्का फुल्का पेन होता है तो वो नॉर्मल है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा हेड डाउन करता है तो आपको हल्का फुल्का पेन हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बच्चे का प्रेशर पड़ता है। ओके, बट पेन बहुत ज्यादा है 7वें, 8वें, 9वें महीने से, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, वो कोई लक्षण नहीं है, वो आपको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनका कमेंट बहुत सारा आ चुका है मेरे पास, और बहुत बार मेरे से उनसे बात हो चुकी है, तो मुझे याद आया तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पेन होता रहता है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसको लाइटली ना लो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।